स्मरागरण खंडनम मम शिरसि मुंडनम दे प्रभु यह असंभव यह आंबे लेकिन प्रभु क्षमा करो क्षमा प्रभु सामान्य मानव ही आम यह किपर लिखि था श्री जगन्नाथ अति प्रिय काव्य श्री गीत गोविंद प्रभातर मंगल आरती ठारु रात्रि पहड़ पर्यंत यार नीति रही किपर लिखू प्रभु आपण को निर्देश आम्भे आरंभ करथिलु काव्य रचना श्री गीत गोविंद आम उठाने परीक्षा नहीं कि प्रभु राधा मानभंजन आपण तक पाद धरले पड़ता लगे ग्रहणीय किंतु किंतु राधा पाद आपण मस्तक उपरे ना 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 असंभव असंभव मुझे लिखिपर प्रभु ना से दिन से राधाकृष्ण जुगल मूर्ति सम्मुखे आम्भे आरंभ करथिलु काव्य रचना श्री गीत गोविंद मेघे मेदुर अंबरं वनभुव श्याम समान रक्तं धीरय तुमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय इथं नंद निर्देशत चलित यो प्रत्यधो कुंज द्रुमं राधा माधवरी यो जयंती यमुना कुले रह केलय वेदांत वाक्य द्वारा जो गुरुशंकर तत्व बुझा जाए जे समग्र ज्ञान एवं चेतनार प्रेरक महाजोगी अंतर्जामी जहां द्वारा समग्र धरित्री एवं धेनु पालित होती से ज्योतिर्मय पुरुष को गोविंद बोली कह जाए आंकड़ी उद्देश्य उद्दिष्ट संगीतर समावेश ही गीत गोविंद से ही वासुदेव से ही वासुदेव सर्वत्र विद्यमान सर्वव्यापक कहीं देखिपारती ना तेणुक से अरूप कहीं वाक्य प्रकाश कर पार्थ्वर से अनिर्वचन कौनसी इंद्रिय स्पर्श कर से अतीन्द्रिय महान शक्ति पी रति के लिए कौन जदि हरिस्मरण सरसं मनो जदि विलास कलाश कौतूहलम मधुर कोमल कांति पद्यावली शुणु तदा जयदेव सरस्वती हे रसज्ञ भक्त जनता आपण मानक मनरे जदि राधाकृष्ण कथा शुणिले मन रसायणित होता है जदि आपण विलास कला अर्थात नृत्य बाद्य कला विद्याप्रति सामान्य भी कुतूहल थाए तेज शुणा को श्रुति सुख कर मधुर कोमल श्री गीत गोविंद ही श्रवण करक्लेश केशव मुग्ध मधुसूदन स्निग्ध माधव सागांख्य पुंडरी काक्ष सौकुंठ वैकुंठ यहीपरि बारटी सर्ग एवं चबिशी प्रबंध ने निर्मित श्री गीत गोविंद हेले प्रथम ब्रह्म वंदना वेदानुधरते जगन्नी बहते भूगोलं मृदुवीप्यते दत्यानुदारयते बलिञ्चनयते क्षत्रं क्षयं बलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्य मातन्वते म्लेच्छान मुच्छयते दशाकृति कृते कृष्णा अनंत लीला जीव सहित नित्यानंद कर लीला पुरुष सहित प्रकृतिर लीला जहां को काव्यिक भाषा रे राधा गोविंद रास लीला रूपांतरित कर भावर कथा भाव बुझा जा पार से दिन श्रीकृष्ण गोपजुपति मानक सहित यमुना कूल नृत्य तन्मय
ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मणय समीरे मधुकर निखर करांबित श्रीकृष्ण नृत्य तन्मय हटात स्मरण आधिका खोजी राधा को अत्र राधा को आरंभ हो श्रीकृष्ण विरह विषाद लीला प्रत्येक जीव हृदय भितर प्रत्यमान परमात्मा खोजी थांती जीवसत्ता को कंसारी रपि संसार वासना बद्ध श्रृंखला राधा माधय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी इतस्तत्व मनुष्य राधिका मनंग बाण प्रणखिन्न मानस कृतानुताप कलिंद नंदिनी तटांत कुंजे विषसाधु माधव आपड़ी भावुचंती कौन करुथिबे से तांको बिहुने धन जन गोप लक्ष्मी आ ठीक यही समय जन गोपी आसी कहते हे माधव तम पिहुने आम राधाराणी अधीरा अधूरा पुष्प सज्या को सरसज्या मन कर चंद्रमार शीतल किरण मध्य शरीर को दग्धीभूत कर चंदन बिंदु किरण मनो बिंदति खेद मधीर व्याल निलय मिलने नगर तनय मलय स्वामी मोर बोलो करो दूती तम पाखे जे कौशल अछि ताको प्रयोग करी राधा को बुझे आम निकट को नहीं आम भी एठारे अपेक्षा कर हेले अभिमानिनी राधा अभिमान कर से आसुनांती परम ठीक यही समय रे तांकर जणी सखी आसी कहउचंती सुण सुण गोपी जन्म बल्लभ हरि सुण आम राधाराणी आसीबेनी हाँ तमे तांको ठकीच कंट दे पासरी देच तेणु से तुमर एक कलावर्धन को देखा चाहू ना कि देखे पत्र टे पढ़ले मत से चमकी उठुंच तमे आसीगल बोली भावुंतर मानभंजन केवल तमें ही कर रसिक नगर हाँ चैतन्य जाग्रत चेतना संचरी जा श्रीकृष्ण प्रस्तुत होती संवाद प्रेरण कर राधाराणी अपेक्षा करीत पुरुष को अपलक नेत्र रही पथ तंद्रासक्त नयन शिथिल शरीर बक्ष देश में अड़ता कुंकुमर दाग प्रधानित हो उठी राधिका वर्षा करमती निर्दय पाल चरित्र पुतना को मारी कौन तुम श्रीकृष्ण फेरी जाओ राधा क्रंदन रूपा कि कारुण्य से दृश्य कि दृश्य अस्ता चल रे दिनमणि अस्त प्राय घन अंधकार घुटी आसुथाए वृंदावरण्य आकाश उपरे चतुर चतुर्भुज सी मानभंजन हब पहुंची जाइछंती राधिका कुंज बणर द्वार देश चातुर्यपूर्ण वाक्य बणरे मृदु आघात करछंती राधिका हृदय कोणरे डाकिछंती प्रिये प्रिये चारुशीले काव्यर
आद्यरु अंत पर्यंत समस्त दृश्य को आम्भे लिपिबद्ध करिथुलु तालपत्र एवं लेखनी सहित हेले समस्त दृश्यमान वस्तु भितरे आजिर दृश्य कुछ अद्भुत थिला आम्भे आम्भे असमर्थ थिलु लेखिया पई ना ना आम्भे या लेखि परिबुनी ना ना दिनमणि मध्याह्नर संकेत दौले पद्मा पद्मा आम्भे प्राचीन जो स्थान शेष करू एक व्यस्त बिव्रत भारक्रांत मानस को नहीं बाहरी जा प्राचीन जी को स्नान पद्मा पद्मा अरे कड़े गल देल देल आम तालपत्र खेदा लेखनी दे स्वामी आप स्नान को अरे हाँ हाँ जाइए स्नान करने अर्थ मार्गरी आम प्रथम पदर अपर पद स्मरण आम फेरी आई तो आम लिखिद ना स्मृति भाव घटे पद्मा आम अत्यंत क्षुधार्त पद्मा आमको भोजन कराई दि मु जाने तुम्हें से ही कथा ही कह पद्मा स्नान केवल शरीर मार्जना पे आमे तो जान ये शरीर अपेक्षा मन शुद्ध हवा निहाती आवश्यक आमें जी कह आम मंत्र स्नान करदेबू कि भोजन कराई दि ओम विष्णु विष्णु आण आ उत्तम भोजन आत्मा आम पर अपर पक्ष की व्यवस्था कर दिए ना आम विश्राम करू संध्या अनेक कार्य रही हाँ स्वादिष्ट भोजन ओह आत्मतुष्ट हो गला शांति 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 पद्मा एथर आस तमें भी भोजन करमें विश्राम कर भोजन शेष कर कक्ष को गले विश्राम करने पी आप पद्मा कि कथा कह पद्मा आम तो यही मात्र स्नान सारे प्रत्यावर्तन करुचु प्राची नदी रू आमे के विश्राम किए स्वामी आपत कहतु स्वामी आप प्राची नदी को स्नान करने जा नर्थ मार्ग में आप प्रथम पदर अपर पद स्मरण आसी जाइए आप फेरी आसते पोथी लिखिले मंत्र स्नान कर भोजन कर आपण भीतर कक्ष को जाइंट विश्राम करने आने आप पद्मा अरे कि बाचाल वचन तुम कि तुम्हें कौन कह आम फेरी आसी लिखिलु देखि देखि कौन लिखिलु स्थल कमल वंजन मम हृदय रंजन खनित रति रंग प्रभाग स्मर करण खंडन मम शिरसि मंडन देही पद पल्लव मुदन पद्मा देही पद पल्लव पद्मा पद्मा ये आमर भावना किंतु यह आम्भे लिखिल तुम्हें विश्वास कर पद्मा आम तो यही मात्र स्नान सारी आसुचु हेले आम व्यतीत जदि आउ कई जानी था से ही परम ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद गोलक वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ व्यतीत आउ कई नुहती पद्मा तुम्हें कौन कह से अपेक्षा कर विश्राम कर देखिक आस अनुभव करूँ पद्मा स्वयं जगन्नाथ आम बेश धरी पद को पूरण कर चलीगले तमें भाग्यवान पद्मा तमें सोच क्यूरे देख लमें
ना पद्मा, तुम्हें मत बारण करनी, ये तुम उचिष्ट नुह, ये महाप्रभु महाप्रसाद। आस आस पद्मा, तुम जेतेबेले सृष्टि स्रष्टाक निकटरे संपूर्ण भावरे समर्पि देथाय, सेतेबेले स्रष्टा गोलक वृंदावनरे थयथाति रहि पारंतिनि, अनुधावन करिथान्ति सृष्टिर, पाइथान्ति अपार आनंद। तापरे आरंभ होइथाय मिलन, सृष्टि आउ स्रष्टांकर मिलन, पुरुष आउ प्रकृतिर मिलन। धीरे धीरे से मिलन महामिलन रूपांतरित होइथाय, आउ सेतेबेले स्रष्टा सृष्टिर समस्त आकांक्षा एवं कामनाकु पूरण करिथान्ति, स्वहस्तरे सजाइ देइथान्ति सृष्टि, श्रृंगार करिथान्ति प्रकृति को, सृष्टि आहुरी कमनीय देखा जाए, आनंदर लहरी उठी जाए।